नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कम से कम एक संत को विधानसभा की टिकट दे सकती है और वह हो सकते हैं पंचनंद स्मारक समिति के अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी। स्वामी धर्मदेव जी गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के नज़दीकी माना जाता है तथा वे राजनीति में आने के इच्छुक भी हैं। जब इस संबंध में पत्रकारों ने स्वामी धर्मदेव जी से बात की तो सव्य सुने उन्होंने क्या कहा, और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। ऐसे मेरे प्यारे के इस समय अपने इस गुरुग्राम की प्यारी सी नगरी पटौदी में हम लोग हैं, और आज ये ठीक है कि अभी मैं जैसे आया वृंदावन से लौट करते हो, सैकड़ों आदमी यहाँ पर गुरुग्राम से आए हुए थे और बड़े सम्मानित बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं कह सकता हूँ कि बड़ा प्यार भी रखते हैं, लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और उस नाते से उनका आगमन हुआ और एक विशेष आग्रह लेकर के वो लोग आए थे कि स्वामी जी इस समय विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और आपकी चर्चा पूरे जोरों पर है। मैंने कहा भाई आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, निश्चित रूप से पूरे गुरुग्राम में इस बात को लेकर के चर्चा है कि स्वामी जी इस समय आ रहे हैं चुनाव के लिए। और उसके लिए अब मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है, इस राष्ट्र को मेरी आवश्यकता है, और मैं ऐसी भावना भी रखता हूँ कि राष्ट्र के लिए हमें काम करना भी चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें मौका दिया है, जन्म दिया है, अवसर दिया है, तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। और हमारे प्रदेश में, देश में, हरियाणा प्रदेश, प्रदेश में प्यारा सा गांव, गुरुगांव, गुरुग्राम, और गुरुग्राम हमारी अपनी नगरी है, और गुरुग्राम में अगर ये अवसर मिल रहा है, मिलता है, तो स्वामी धर्मदेव पीछे नहीं हटेगा। भैया इस गुरुग्राम के लिए काम करना है, और मैं मानता हूँ कि ठीक है वैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो मंच है, एक प्यारा सा ऐसा सम्मानित मंच है विधायक का या विधानसभा का, उसमें जो दायित्व मिलता है उसके माध्यम से और ज्यादा अवसर मिलता है सेवा करने का।